हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एम्बेसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीजें बताने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो आप लोग कंप्लीट एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चल जाएगा। आप लोग जानते ही हो, अभी असम में मिशन वसुंधरा 2.0 चल रहा है और इसमें बहुत सारा कुछ काम आप लोग कर सकते हो, जैसे कि म्यादीकरण का काम कर सकते हो, मिट्टी ट्रांसफर का काम कर सकते हो। तो जो भी है, इसमें बहुत सारा सर्विस अवेलेबल है और बहुत सारा मतलब इसमें अलग अलग मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का, वो भी आप लोग सर्विस ले सकते हो घर बैठे। और ऐसे बहुत सारा है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है। तो मतलब इसी RTPS में आपको मिल जाएगा, ये RTPS पोर्टल पर। ये टॉपिक आज मतलब इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा लोगों का मतलब ये क्वेरी है और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, लाइव आपको प्रूफ दिखाऊंगा जो किस टाइप का होता है वहाँ में। तो ये है गाइस, कन्वर्जन ऑफ लैंड फ्रॉम एनुअल पट्टा टू पीरियडिक पट्टा। तो हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मतलब एनुअल पट्टा टू पीरियडिक पट्टा। तो इसके लिए कितना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसका बारे में सबको मतलब अच्छे तरीके से मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि गाइस आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिले। देखिए गाइस, अप्लाई तो आप लोग इजीली कर सकते हो, बट अप्लाई कर देने के बाद में जो आपका प्रोसेस रहता है वो एक मेहनत होता है, जो कि मतलब करते करते जाना पड़ता है, उसके बाद ही मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड का एक काम मतलब वो आता है, तो वही होता है सबसे मेन। तो देखिए गाइस, अप्लाई तो आप लोग इजीली कर सकते हो ऑनलाइन में, बट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो ये मतलब बहुत सारा को पता नहीं है। तो यही चीज़ आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और बोलने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये आपको अच्छे तरीके से पता हो जो भी आप लोग कर रहे हो। तो गाइस ये देखिए, एक बार अच्छे तरीके से देखिए और उसके बाद करिए, आपका मतलब काम एक ही बार में फिनिश हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आप लोग नोट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग खुद जाके भी आप लोग देख सकते हो ARTPS पोर्टल पर। और सिंपली देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पहला नंबर में लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब लेटेस्ट अप टू डेट लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट चाहिए एक, और कॉपी ऑफ एनुअल पट्टा। कॉपी ऑफ एनुअल पट्टा ये कहाँ से मिलता है, ये गाइस देखिए, आपको या तो सर्कल ऑफिस या तो मंडल के पास आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। कॉपी ऑफ एनुअल पट्टा चाहिए। उसके बाद थ्री नंबर में है ट्रेस मैप विथ प्रॉपर डेमार्केशन, मतलब एक ट्रेस मैप चाहिए। और उसके बाद चिट्ठा कॉपी ऑफ द शेड्यूल लैंड ये चाहिए, और आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट ये चाहिए। तो देखिए गाइस, फाइव डॉक्यूमेंट आपको, ये डॉक्यूमेंट सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले इकट्ठा करना होगा और उसके बाद ही मतलब आप लोग आवेदन के लिए स्टार्ट कर सकते हो, वरना देखिए गाइस आपका मतलब मेहनत ऐसे ही जाएगा, बाद में आप लोग अपलोड नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपके पास ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे आप लोग कैसे करते हो, मतलब ये सारा कुछ स्टार मार्क है, मतलब मैंडेटोरी है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको पहले लेना है और उसके बाद PDF में इसको कन्वर्ट कर लेना है, मतलब JPG और PDF मतलब फॉर्मेट में, जो कि ये 2 MB से कम का मतलब होना चाहिए, कम होना चाहिए तभी जाके ये सपोर्ट करेगा। तो अभी देखिए गाइस, ये आवेदन कर देने के बाद में कितना दिन में ये मतलब क्वायरी होता है किसी किसी का, तो ये भी मैं आप लोगों को मतलब बता रहा हूँ कितना दिन में ये मतलब अप्रूव होता है और आपका काम फिनिश हो जाता है। तो देखिए गाइस, ये स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट यहाँ दिया गया है, RTPS में जाके आप लोग देख सकते हो। तो स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट 90 वर्किंग डेज, मतलब जितना डेट से आप लोग कर रहे हो उस डेट से लेकर 90 डेज के अंदर अंदर आपका ये काम हो जाएगा, मतलब विथिन 90 वर्किंग डेज। और इसमें फीस कितना चार्जेस लगेगा, तो देखिएगा फीस ऑफ रूरल आप लोग समझ सकते हो, रूरल का मतलब क्या है, जो मतलब गांव क्षेत्र से है, तो गांव क्षेत्र के लिए
नील का मतलब आपको पता ही है क्या है, नील जीरो, फिश ऑफ रूरल जीरो रुपीस, फिश ऑफ आरवेन फॉर आरवेन। तो देखिए फॉर आरवेन एरियस रेस 500 पर कट्ठा और इट्स पार्ट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रेस 5000। तो इसका मैं साइट में आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद देखिए प्रिंटिंग चार्ज, क्योंकि इन केस ऑफ एनी प्रिंटिंग फ्रॉम पीएफसी और सीएससी सेंटर, मतलब रेस कितना पार, मतलब पेज का 10 रुपीस सीएससी सेंटर में लगता है। अगर आप लोग पीएफसी से करोगे तो भी गैस उतना ही चार्ज लगता है, जो कि हमें दिया हुआ है इसीलिए मतलब चार्ज लगता है उतना, मतलब पर पेज का 10 रुपीस प्रिंटिंग का चार्ज। और स्कैनिंग चार्ज इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट आर स्कैंड इन पीएफसी और सीएससी। अगर आप लोग सीएससी सेंटर से कर रहे हो, अगर आप लोग पीएफसी सेंटर से कर रहे हो, तो एक कॉपी स्कैन, मतलब जो भी आपका एक डॉक्यूमेंट स्कैन होता है तो उसका चार्ज कितना लगता है, 5 रुपीस, मतलब पर पेज 5 रुपीस करके आपको देना होगा, तभी जाके आपका मतलब काम सीएससी सेंटर या तो पीएफसी सेंटर से हो जाएगा। कन्वीनियंस फीस रेस 10 रुपीस, ये मतलब उनका ही चार्ज है जो कि वसुंधरा का चार्ज है, तो इतना रुपीस आपको लगता है। तो टोटल आप लोग काउंट कर सकते हो कितना चार्ज लग सकता है। तो देखिए गाइस अभी आपको पता चल गया जो कि कन्वर्जन ऑफ लैंड फ्रॉम एनुअल पट्टा टू पीरियडिक पट्टा, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है और कितना दिन के अंदर में ये आपका अप्रूव होके आता है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मालूम चल गया। तो यही था गाइस मेरा आज का वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए। इसी तरीके का न्यू अपडेट और न्यू वीडियो पाने के लिए, तो आज का मेरा वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।